नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। तीन बार दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई, उसके बाद अब पंजाब में प्रचंड जीत हासिल कर भगवंत मान जो है अब पंजाब के सीएम बनने जा रहे हैं, 16 तारीख को शपथ लेंगे। लेकिन पंजाब की जीत बहुत मायने रखती है क्योंकि एक नया मुख्यमंत्री पंजाब को मिला है। लेकिन लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब की जीत का पूरे देश में क्या असर पड़ेगा, हरियाणा जो उसका पड़ोसी राज्य है उस पर क्या असर पड़ेगा, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है उस पर क्या असर पड़ेगा, लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और बात करें आम आदमी पार्टी की इस प्रचंड जीत की, तो इस प्रचंड जीत के बाद लगातार पूरे प्रदेश में पंजाब में जश्न का माहौल लगातार जारी है। कल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से रथ यात्राएं, विजय रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं और इस जश्न को लगातार बरकरार रखा जा रहा है। लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, पूरे प्रदेश भर से 5 पूर्व विधायक और उनमें 2 मंत्री भी, जिन्होंने कल आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और वहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में इन नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा, क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में अब बड़े स्तर पर खड़े होने जा रही है, क्या संगठन अब बहुत जो है बड़े स्तर पर जो है मजबूत होने जा रहा है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करने पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बात करें सबसे पहले पानीपत शहरी जिला अध्यक्ष प्रीतपाल खेड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं हरीश शर्मा जो जिला प्रवक्ता पानीपत से आम आदमी पार्टी के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बग्गा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उपाध्यक्ष हैं, और एक पवन जो है कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो इन सब लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। प्रीतपाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई क्योंकि पंजाब में प्रचंड जीत जो है आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे, वहां की जो जीत है उसके बारे में आप थोड़ा सा शुरू कीजिए और फिर आगे हम सवालों का सिलसिला लगातार जारी करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आज हम भी इस मीटिंग कर रहे हैं। और रही बात पंजाब की जीत की, तो पंजाब की जीत आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा बदलाव राजनीति के अंदर, एक नई राजनीति स्टार्ट होने जा रही है। जो पहले राजनीति होती थी अब राजनीति कुछ हटके होगी। आप ये देखिए कि ये जो जीत है पंजाब की जीत, ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। अब जो राजनीति चलेगी वो नए ढंग से चलेगी, कोई जात पात की राजनीति होगी नहीं होगी। अब जो भी होगी तो सिर्फ विकास के ऊपर हम वोट मांगे जाएंगे, विकास के ऊपर काम होगा और आने वाला समय जो है, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उनको मद्देनजर लेकर के, उनको फोकस रख करके उसके ऊपर काम किया जाएगा। बात करें कल दिल्ली में एक तस्वीरें सामने आई हमारे, हमने देखा कि बहुत सारे जो पुराने विधायक थे वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और बात करें पानीपत की तो निर्दलीय विधायक थे, पूर्व विधायक हैं रविंद्र मछरोली, उन्होंने बीजेपी छोड़कर अब आपकी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। तो वहीं बात करें विजेंद्र सिंह की, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी अब शामिल हो गए हैं। और तमाम जो है पूरे प्रदेश भर से 5 विधायक कल शामिल हुए। तो क्या आपको लगता है अब आम आदमी पार्टी का भविष्य हरियाणा में, आप उसको आप कैसे देखते हैं कि जैसे लोग अब लगातार आपसे जुड़ते जा रहे हैं? जी, जब से पानी अपने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, तब से कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमारे पास में कोई पुराना नेता या कोई पुराना एमएलए या कोई पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ने के लिए ना आए हों, और हम उनको लगातार जोड़ते जा रहे हैं। और जिस हिसाब से आज की डेट के अंदर हवा चली हुई है आम आदमी पार्टी की, इसको देख करके हमें ये लगता है कि हरियाणा क्या, अब हम बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर एक बहुत अच्छे स्तर पे हम अपनी पार्टी को खड़ा करके देखेंगे। आप पानीपत जिले में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है कि कोई बड़ा नेता या कोई और जो है बड़े स्तर का नेता आप पार्टी में शामिल हो सकता है, क्योंकि हम भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं से कनेक्ट हैं। हालांकि हमारे पास पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ये हमें सुनने को मिल रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता आज भी शामिल हो सकता है, सुशील गुप्ता ने दिल्ली बुलाया हुआ है। जी बिल्कुल, आप इसी के ऊपर ही हो रहा है। आप ये देखिए कि इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक से एक बड़ा दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के अंदर आपको दिखाई देगा,
और ये उनका काफी टाइम से प्रयास था और अब वो एक बाई एक यानी दिन ब दिन लोग खुल करके आम आदमी पार्टी के समर्थन में आने लग गए हैं। अब जनता को और नेताओं को सबको ये पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी ही अब एक ऐसी पार्टी है जो इसके काबिल है और आने वाले टाइम में अगर कोई सरकार बनाएगी तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी से सब लोगों का जनता का मुंह भंग हो चुका है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका भी उनकी पार्टियों से अपने नेताओं से मोह भंग हो गया है और कांग्रेस तो कहीं पर है ही नहीं। कांग्रेस को हम अब अपना विपक्ष नहीं मानते, बीजेपी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।